नमस्कार, आपका स्वागत है पोल खोल पोस्ट में और आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। महिला सफाई कर्मी से मारपीट करना पड़ा महंगा। मोरवा पुलिस ने एनसीएल के सहायक प्रबंधकों के विरुद्ध दर्ज किया मामला। एनसीएल में पदस्थ दो सहायक प्रबंधकों द्वारा आवासीय परिसर में ठेका श्रमिक का कार्य कर रही महिला सफाई कर्मी के साथ मारपीट कर जाति सूचक शब्दों से कहने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मोरवा नगर निरीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह द्वारा मामला पंजीबद्ध कर जाँच की जा रही है। उधर अधिकारियों द्वारा किए गए इस कृत्य की चर्चा प्रबंधन से जुड़े लोगों के बीच सुर्खियां बनी हुई हैं। आपको आगे बताते चले कि एनसीएल के आवासीय परिसर में सफाई के लिए ठेका श्रमिक पर लगी महिला सफाई कर्मी सुनीता सीपर पति स्वर्गीय जगेश्वर स्वीपर उम्र 30 वर्ष निवासी अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 4 ने थाने में तहरीर दी है कि एनसीएल मुख्यालय में बतौर सहायक प्रबंधक पदस्थ अशोक त्रिवेणी एवं सुशील कुमार गौतम ने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट व गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी है। इस मामले में महिला ने बताया कि बीते सोमवार को उनके आवासीय परिसर C27 एवं C28 में सफाई करने के दौरान वहां पड़ी वस्तुओं को छूने पर वह भड़क गए और जाति सूचक शब्द देकर उसे फटकार लगाने लगे। मना करने पर उन लोगों ने महिला के साथ मारपीट भी की, जिसके बाद अन्य सफाई कर्मियों ने बीच बचाव कर महिला को छुड़ाया। एनसीएल कर्मियों के इस कृत्य से सफाई कर्मी काफी आक्रोशित दिखे, जिन्होंने महिला सफाई कर्मी के समर्थन में थाने पहुंचकर घटना की जानकारी दी। मोरवा निरीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने दोनों सहायक प्रबंधक अशोक त्रिवेणी, सुशील कुमार गौतम एवं उनकी पत्नियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 504/19 धारा 294, 323, 506, 34 IPC एवं 3/1 ST/SC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया है। क्या मामला हुआ आपके साथ? बसंत कुंज में। बसंत कुंज में किनके यहाँ? अति 28 नंबर में काम किए तो 28 सारी बोली ना कि कुत्ते अरम जाती काम नहीं करना, तब के मैं सब गाली मत दीजिए काम ही ना कर रहे। तो मैं साहब निकले। कौन साहब? उनका नाम नहीं हम जानते हैं साहब के। काई नंबर, क्वार्टर नंबर? 27 है और 28 वाली। 27 और 28। हाँ, दोनों जन निकले, चारों जन सबको गाली गलौज करने लगी। हम 25 में चले गए काम करने, वहाँ पर साहब लोग चले गए 25 में भी आके हमको गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने लगे। का नाम है राजकुमारी बीच में आई, वो हम लोग को छोड़ाई। अगर नहीं छोड़ाती तो साहब हमको मारिए दिए होते। दम आगे में सपट गए थे, मैडम लोग दोनों खड़ी थी, साहब भी खड़े थे, सब देख रहे थे, लेकिन कोई नहीं कुछ बोला। तो चारों मैडम, दोनों मैडम और दोनों साहब हमको बोलने लगे। किस बात पे मार रही थी आपको? यही कि काम नहीं करती है, चोरी लगाती, उल्टा सीधा बोलती है कि छिनई बंद करने आए हैं, साहब को लाइन मारते हैं। हमको यही काम करते तो हम बाथरूम क्यों धोते? हम वही काम करके नहीं खाते हम। नशे के विरुद्ध बरगवां थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 60 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब के साथ एक गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक अभयजीत रंजन के निर्देश में बरगवां थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी को नशे के विरुद्ध चल रहे मुहिम में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 60 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।